अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शुजात हुसैन है और मैं ऑल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट यूनियन देहरादून का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज आप सब लोगों के सामने इसलिए रूबरू हो रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जो हमने डिविजनल स्टेटस और यूनिवर्सिटी की मांग की थी वो हम सब एक होकर की थी। सारे जवान, सारे बुजुर्ग, सारे इस्लामिक दायरे, सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए, एक होकर हमने इस चीज़ की मांग की थी और माशाल्लाह इसका नतीजा भी हमें बहुत अच्छा मिला था। और अब एमपी इलेक्शंस आ रहे हैं तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि एमपी इलेक्शंस के लिए हमें एक ही लीडर को चुनना है और उसको सपोर्ट करना है सब एक होके, सारे इस्लामिक इदारे, सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सारे जवान, सारे बुजुर्ग, सबको एक होके फिर से एक बार हमें एक होने की जरूरत है और एक ही लीडर को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर इस बार हम एक ही लीडर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हमें आगे के 5 साल के लिए पछताना पड़े फिर से। और सबसे शर्मनाक चीज़ ये है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां कारगिल के बारे में जानते नहीं हैं लोग। लद्दाख को तो जानते हैं लेकिन लद्दाख के नाम पे सिर्फ लेह को जानते हैं, कारगिल को नहीं जानते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक चीज़ है। तो इस बार हमें एक होके एक ऐसे लीडर को चुनना है जो हमारे कारगिल के लिए बोल सके, कारगिल के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सके, कारगिल के लिए लड़ सके, कारगिल के लोगों के लिए लड़ सके, कारगिल के मुस्तकबिल के लिए लड़ सके। तो मैं आप सारे इस्लामिक के दायरे और सारे पॉलिटिकल लीडर्स से गुजारिश करता हूं, मेहरबानी आप एक ही लीडर को चुने और उसी को वोट करें, उसी को जिताए। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं हम जब एक होके किसी चीज की मांग करते हैं या किसी चीज के लिए लड़ते हैं तो वो चीज का नतीजा आप बखूबी जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं क्योंकि हाल ही में हमने ये चीज़ हमने आजमाई है, ये चीज़ हमने की है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि लोग क्यों फिर से यूनिटी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, फिर से कोई किसी लीडर को चुन रहा है, कोई किसी लीडर को चुन रहा है। तो देखो, मैं ये कहूँगा कि अगर हम इस तरह करते रहे कि या ISK से ही निकलेगा कोई लीडर, या IKMT से ही निकलेगा कोई लीडर, या IKMT वाले ISK को सपोर्ट नहीं करेंगे, ISK वाले IKMT को सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छा इस पार्टी का पॉलिटिकल लीडर उस पार्टी का पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट नहीं करेगा, उस पार्टी का पॉलिटिकल लीडर इस पार्टी के पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर आप ये जो सपना है, जो LP की सीट का जो सपना है वो आप अपने जहन से निकाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस बार कारगिल का कोई MP बने, कारगिल से कोई MP का सीट जीते, तो आप बराए मेहरबानी इतिहाद में रहे, यूनिटी में रहे और यूनिटी जैसे हम हाल ही में रहे हैं वैसे यूनिटी का पावर दिखाएं और किसी एक लीडर को चुने, ना कि कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई उनको सपोर्ट कर रहा है तो कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये देखो, ये कारगिल के मुस्तकबिल का सवाल है, कारगिल के फ्यूचर का सवाल है। अगर आज हम इतिहाद में नहीं रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, फिर हमें MP का सीट मिलेगा इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, मिल ही नहीं सकता है। देखो, इतिहाद में रहेंगे तो शायद ही कुछ हो क्योंकि हाल ही में इसके रिजल्ट्स आप लोगों को पता है, इसके बावजूद भी आप लोग इतिहाद में नहीं रह रहे हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत शर्मनाक चीज़ है। तो बराए मेहरबानी आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इतिहाद में रहे और इतिहाद में ही किसी को खड़ा करे और उसी को वोट दे, उसी को जिताए। बाकी वस्सलाम।